मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रही हैं, श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया जी, जो निदेशक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के हैं, समारोह की विशिष्ट अतिथि जो मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी हैं, राज्य मंत्री के रूप में ऐसी रजनी तिवारी जी, ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह जी, कुल सचिव महोदय, कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, सम्माननीय सामने बैठे जनप्रतिनिधिगण, संकाय अध्यक्षगण, विभागाध्यक्षगण, शिक्षक वृंद, मीडिया के सभी सजग प्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय का नाम ज्योतिबा फुले जी के नाम पर है। भारत के विशाल आंगन में महापुरुषों की आत्माएं फिर फिर फेरा लगाती है। कौन अंजलि में जल भरकर उनका तर्पण करता है। पहले भी नाम हुआ करते थे, या तो शहरों के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लेकिन ये उनको तर्पण है, समर्पण है उनके प्रति कि हम अपने महापुरुषों के नाम पर कोई संस्था का नाम रखें, जिससे आने वाली नस्लें भी कुछ सीखेंगी। बरेली एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है, पांचाल प्रदेश से जुड़ा हुआ, और ये ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी दोनों ही समाज सुधार में एक मील का पत्थर स्थापित कर चुके हैं। इसलिए जब इनके नाम पर विश्वविद्यालय रखा गया है तो निश्चित आने वाली सदनस्लों को एक नई प्रेरणा मिलेगी इनके नाम से ही। मित्रों, सबसे पहले मैं उन सभी स्वर्ण पदक धारक और जिन्होंने मुकाम हासिल किया है उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ में ही उनके उन सभी माता पिताओं को और गुरुओं को, माता पिताओं के को प्रणाम और गुरुओं को सैल्यूट करना चाहता हूं। इनके बिना परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चट्टान की तरह जो इनके पीछे खड़े रहे, यह संभव नहीं होता कि आप लोग एक मुकाम हासिल करते। इसलिए ये भी बधाई के शुभकामनाओं के पात्र हैं जिन्होंने आपको प्रेरणा दी, आपके साथ खड़े रहे। इनके प्रति भी नमन और वंदन, और आपको भी याद रखना होगा इनके योगदान को, अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए। कर्तव्य के पथ पर अब आप आगे बढ़ेंगे। शिक्षा आपने प्राप्त कर ली, दीक्षांत समारोह है, अब सामने कर्तव्य पथ है आपके सामने, और कर्तव्य कई भागों का है। समाज के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, और जिन्होंने आपको अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, सहयोग किया, उनके प्रति कर्तव्य। माता पिता गुरुओं के बारे में तो आपको उपदेश में बताया ही है गया है, और हमारा संस्कार भी हमको बताते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरुर देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारे को संस्कार में सिखाया जाता है। इस संकल्प को हमें याद रखना होगा अपने जीवन में,
तभी शिक्षा का जीवन उपरांत आपका सार्थक होगा, शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत। राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य सुनिश्चित करना होगा। यहां पर शिक्षकों के भी मैं जिम्मेदारी का एहसास कराऊंगा इस मंच से कि इन बच्चों को दिशा देनी होगी कि हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, तब ये दशा सुधार पाएंगे। जो अभी रजनी जी कह रही थी विकसित भारत, और हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी अपेक्षा करते हैं, दिशा कौन देगा? दिशा शिक्षक ने। चाणक्य इस देश का एक वो गुरु हुआ जिसने पूरी दिशा जब दी तो चंद्रगुप्त ने दशा बदल दी। कौन सी शिक्षण संस्था है या शिक्षक है जो ऐसी दिशा देते हैं जब कैंपस से नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कौन सी शिक्षक है जो ऐसी शिक्षा देते हैं? कौन सी शिक्षण संस्था है और वहां के शिक्षार्थी क्या सीखते हैं? जिस राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, तेरा वैभव अमर रहे वहां हम दिन चार रहे ना रहे, ये भाव मन में होना चाहिए। वो ऐसे गाने लगे ये चिंता का विषय बनता है, और चिंता का विषय आने वाली पीढ़ी के जो शिक्षक है उनका कर्तव्य भी बनता है कि अपने लेक्चर्स के साथ साथ यह शिक्षा भी दें कि यह राष्ट्र सर्वोपरि है, इदम राष्ट्रा इदम नमम, ये मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है मेरे लिए नहीं। यह शिक्षा ना मिले कि पहले मैं फिर मेरा परिवार, शिक्षा ये मिलनी चाहिए पहले सृष्टि फिर राष्ट्र फिर समाज और फिर परिवार और फिर मैं। पिरामिड उल्टा हो गया है आज की शिक्षा से। शिक्षक कृष्ण भी थे, इतिहास जब से सृष्टि ने हुई है तब से आज तक का सबसे बड़ा मोटिवेटर कोई हुआ है तो प्रभु श्री कृष्ण हुए, जिन्होंने अर्जुन जिसने युद्ध में हथियार डाल दिए थे, हताश होकर निराश होकर बैठ गया था कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, जो टर्निंग पॉइंट था पूरे सिस्टम का, विचारों का, कि कौन इस धरती पर रहेगा, आतताई रहेंगे, अत्याचारी रहेंगे, पापाचारी रहेंगे या पुण्यात्मा लोग रहेंगे। उस टर्निंग पॉइंट पर जब उसने हथियार डाले हैं और तब कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उनको मोटिवेट किया है, इसलिए मैं कहता हूं कि यदि इतिहास का सबसे बड़ा मोटिवेटर कोई है वो कृष्ण है। आप सबको शिक्षकों को वो कृष्ण की भूमिका निभानी होगी कि कहीं ये नारे लगाने वाले भी हतोत्साहित हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत माता की जय बोलने वाले के नारे होने चाहिए। वो हतोत्साहित हो ऐसे लोग शिक्षा को मिलनी चाहिए जो कहते हैं कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और एक राजनीति उनके साथ खड़ी होती है देश से। भारतीय जनता मैं इसको पार्टी का नहीं बनाना चाहता विषय, लेकिन विषय है कि वो खड़े होते हैं सिर्फ कि ये गलत हो रहा है इसको, एक और वो लोग खड़े हैं और दूसरी ओर मेरा नेता नगर के चौराहों पर, मास्को के मैदानों पर, न्यूयॉर्क के स्कारों पर जब विदेशों से भारत माता की जय बुलवाता है तो हर भारतवासी का सीना 56 इंची का होता है। वो एक राजनीति तो किधर हमारी शिक्षा ले जाएगी विद्यार्थियों को, यह हम सब शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि कौन सी दिशा देनी है, और विद्यार्थियों आपका कर्तव्य बनता है कि उस दशा पर हमें इस राष्ट्र को खड़ा करना है।
जो क्योंकि आने वाले भविष्य आप हैं इस देश, और आप पे मेरे नेता मोदी जी की बड़ी टिकी हुई है आशाएं, जिन्होंने अपने आचरण से, अपने कर्तव्य से पूरे देश को नई दिशा दी। आज मोदी सिर्फ इस भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरी दुनिया में अपना प्रधानमंत्री मानती है। मोदी जी बोलते हैं दुनिया सुनती है, मोदी जी कहते हैं दुनिया मानती है, यह है मेरा नेता। उन्होंने अपने आचरण से, कर्तव्य से बताया कि आपको क्या करना चाहिए। हमारे कर्तव्य कैसे हो यदि हम शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे, तो कैसे हो। अब महामहिम का उदाहरण लीजिए आप, जब से ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी, उन्होंने अपने कर्तव्य से, कर्तव्य बोध से जो उनमें है, और उसको अनुपालन से, आचरण से आपको सिखाया है। उन्होंने बता दिया उत्तर प्रदेश की शिक्षा कहां पहले गर्त में थी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा को कोई पूरे देश में अच्छे निगाहों से नहीं देखा जाता था। आज उसी उत्तर प्रदेश में आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में, आपके दिशा निर्देशन में 7 विश्वविद्यालय सरकारी A++ नेक रैंकिंग में ग्रेड पा चुके हैं। आपका विश्वविद्यालय 5 A+ रैंक को पा चुके हैं, ग्रेड 6 निजी विश्वविद्यालय A+ और 4 निजी विश्वविद्यालय A ग्रेड को पा चुके हैं, 3 UGC ग्रेड 1 में है, तो पहले कहीं नहीं थे हम लोग। ऐसे ही पहले 500वें स्थान पर कहीं उत्तर प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय नहीं था, आज 94 और 97 के स्थान पर उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय है। ये मार्गदर्शन, ये कर्तव्य बोध है, ये उन्होंने अपने आचरण से हमको सिखाया है कि जो हमें जनता ने दिया है या देश ने हमको दिया है या जो देश से हमने लिया है, हम उसका कितना प्रतिफल दे रहे हैं, यही राष्ट्रभक्ति की परिभाषा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यह भाव जागृत कराना होगा छात्रों के अंदर, ये शिक्षकों का कर्तव्य। पूरा भारत टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, तो चाणक्य पैदा हुआ था जिसने पूरे भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी, कामाख्या से कच्छ तक एक सूत्र में बांधा था, और उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब देकर यहां से लौटाया था। यह शिक्षक है। और मित्रों, वो चंद्रगुप्त है जिसने स्वर्णिम काल दिया इस देश को, पूरा विश्व जिसकी ओर देखता था, विदेशी यात्री आके देखते थे कि कैसा चाणक्य और कैसा चंद्रगुप्त है। कौन सिखाया गया? और अफसोस कि चंद्रगुप्त महान नहीं पढ़ाया गया हमको, विदेशी आक्रांता में विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, वो था कि नहीं था, लेकिन विदेशी आक्रांता अकबर महान बताया गया, ये अफसोस है मुझको। चंद्रगुप्त महान क्यों नहीं बताया गया? क्यों नहीं बताया गया? उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अकबर और औरंगजेब जैसे लोग थे, लेकिन उस सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देना वाला मेरा राणा भी महान था, मेरा शिवा भी महान था, यह क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि संस्कार गलत दिए जाते। अब मेरे नेता मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति दी है, उसके मूल में यही है, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, यानी शानदार था भूत तो वर्तमान को संवारेंगे और भविष्य को निखारेंगे, ये नई शिक्षा नीति का मूल है, और उसी आधार पर शिक्षा चल रही है, नए भारत का निर्माण कर रही है, नए कलेवर में आ रही है, नया तेवर का भारत बन रहा है। विकसित भारत की कल्पना यदि मेरे नेता करते हैं, तो उन्होंने करके दिखाया है,
पहले विकासशील देशों की पायदान पर निचले स्थित तथा हिंदुस्तान का नाम आज ऊपर उठा। पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुकी है भारत की, जो 12वें या 13वें स्थान पर थी पहले, उस इंग्लैंड को परास्त कर दिया जिसने कभी हम पे हुकूमत की थी बरसों, आज उसको हमसे पीछे है। अब वो कल्पना करते हैं कि तीसरी विजन रखते हैं मेरे नेता अपने पास, उसको मिशन बनाते हैं, फिर पैशन से लगते हैं, ये इसका नाम मोदी है। मित्रों, उन्होंने विकसित भारत की कल्पना की है, 1947 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारतवर्ष खड़ा हो, यह विजन लिया है उन्होंने और आप लोगों को सौंपा है। हम सबको एक कर्तव्य बनता है कि इस शिक्षा क्षेत्र को समापन करके जिस जिस क्षेत्र में जाए एक ही सूत्र याद रखें, जहां हम हैं वहां ऐसा करेंगे कि भारत विकसित बने। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।